नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो यूट्यूबर्स जो थंबनेल बनाते हैं, जो मेन फ़ोटो होती है जो हमें वीडियो पर सामने दिखती है, और जो फेसबुक पर जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जो पोस्ट डाली जाती हैं, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली जाती हैं, उन्हें जो है बनाने के लिए एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है कैनवा, और कैनवास से इसको रिलेट किया गया है। जो हम कैनवास पर जो तस्वीर उतारते हैं, उस तरीके से आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ लिखना है कैनवा। कैनवा जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो हम देख सकते हैं, कोलाज लोगो मेकर ऐप है, और कैनवा जो है इसको बनाए हुए हैं। और मैं आपको जो है यहाँ से इसको दिखाता हूँ कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, ये इसका जो है लैंडिंग हम कह सकते हैं पेज है, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे टूल्स हैं, और किस तरीके से ये कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, प्रिंट, वीडियो। इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, फ्लायर, एनिमेटेड सोशल मीडिया, आप स्टोरी बना सकते हैं, लोगो, पोस्टर, इंस्टाग्राम की स्टोरी, इनविटेशन बना सकते हैं, फ़ोटो कोलाज, कार्ड, मेन्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको और डिज़ाइंस देखनी है तो आप ये देख सकते हैं, नीचे डिज़ाइंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो है ये जो हमने आज तक डिज़ाइंस बनाई हैं, ये वो डिज़ाइंस हैं, क्योंकि हमने यहाँ मेन्यू में ये जो है लॉगिन कर रखा है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड आधारित ये जो है, और इसको आप दोनों जगह पर चला सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पर भी चला सकते हैं, इस कैनवा को, इसका हम कह सकते हैं कि वेब भी उपलब्ध है, और ये एप्लीकेशन भी जो है उपलब्ध है। अब हम दोस्तों यहाँ टेम्पलेट पर जाएंगे। टेम्पलेट पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, सोशल ग्राफिक्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, फ्लायर, एनिमेटेड सोशल, वेब बैनर्स, योर स्टोरी, लोगोस। और दोस्तों ये होते क्या है, ये है अगर आपको बना बनाए कंटेंट चाहिए, बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए, तो आप इजीली जो है टेम्पलेट को यहाँ से उठा सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस हो गए हैं, ये प्रेजेंटेशंस हैं, आपको प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने हैं, टॉकिंग प्रेजेंटेशंस, मोबाइल फर्स्ट प्रेस प्रेजेंटेशन को 4x3 में बनाना हो, ये आप सोशल मीडियाज हो गए, सोशल मीडिया में जितने हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक का कवर पेज, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब के थंबनेल, यूट्यूब का इंट्रो, एनिमेटेड सोशल जो है, इसी तरीके से आप वीडियो भी यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये प्रिंटिंग के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ये फ्लायर्स, पोस्टर्स, बर्थडे इन्विटेशंस, टी शर्ट पर, बुक, फोटोग्राफ पर जो बनाने हैं, इसी तरीके से दोस्तों ये काफ़ी सारे हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको एक छोटा सा यूट्यूब का थंबनेल ही बनाना है, या फेसबुक की पोस्ट बनानी है, जो भी बनाना है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक किया, सबसे पहले जो आता है वो आता है एक ब्लैंक क्रिएट करने के लिए, जिसमें कि आपको एक वाइट शीट दी जाती है, और वहाँ पर जो है आप इसको अपने जो भी आप चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दो और हैं, एक है फ्री टेम्पलेट, क्योंकि हमने अभी इसका जो है प्रो वर्जन नहीं लिया है, जो कि हमें कुछ पैसों में साल भर के हिसाब से मिलता है, और यहीं पर कुछ टेम्पलेटों के आगे आपको डॉलर का साइन दिख रहा है, और हम कह सकते हैं इंडियन रुपीज़ का साइन दिख रहा है, वो जो है पैसों में आती हैं। तो अभी हम जो है क्रिएट ब्लैंक पर जा रहे हैं। क्रिएट ब्लैंक पर जाने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक शीट आ जाएगी, ये ब्लैंक शीट आ गई है दोस्तों। और ये ब्लैंक शीट काम किस तरीके से करती है, ये हम आपको और बता देते हैं एक छोटा सा डिज़ाइन बनाकर। ये देखिए, कलर और रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप इस शीट को कोई कलर देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि ये हो गया है टेम्पलेट, टेम्पलेट तो है ही हमारे पास, एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ऊपर जैसे आप हैप्पी होने का इमोजी सर्च करना चाहते हैं, तो ये देखिए हैप्पी होने के इमोजीज आ जाएंगे। जो प्रो हैं वो प्रो वालों के लिए हैं, अगर आपका अकाउंट प्रो वर्जन में है तो। और आप यहाँ से इनको देखिए, ये क्लिक करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, इसे हम उठा कर यहाँ रखते हैं। इसके बाद आप प्लस पर जाएंगे, फिर से यहाँ
ऊपर आप कई सारे ऑप्शंस देख पा रहे हैं, फोटोज, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अपलोड आप देखिए जो हमारे फ़ोन से अपलोड किए गए हैं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो इन्हें भी आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर। आप जाने के बाद तीन तरीके के टेक्स्ट, बड़ी राइटिंग में, स्मॉल में और छोटे में जो है आप लिख सकते हैं। ये देखिए हम ऐड अ हेडिंग पर आते हैं और एडिट करने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, ये हमने लिख दिया है। अब इसको जो है कस्टमाइज़ करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। नीचे आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, एडिट, डिलीट, डुप्लीकेट, आप फ़ॉन्ट का टाइप बदल सकते हैं। ये हमने फ़ॉन्ट का टाइप बदल दिया है, ये देखिए फ़ॉन्ट का टाइप चेंज हो गया है। और क्योंकि हमने यहाँ डुप्लीकेट पर प्रेस कर दिया था इसलिए ये दो हो गए हैं, एक हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आप फॉन्ट के साइज़ को जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से। और बाकी एडवांस भी यहाँ दे रखा है, ये देखिए आप इसमें इटैलिक बोल्ड कर सकते हैं। आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं, लेटर के बीच में आपको स्पेसिंग देनी है या आपको लाइन के बीच में स्पेसिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पर लाइन एक से ज़्यादा नहीं है इसलिए ये आपको दिखेगा नहीं। आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं, किस तरीके का इफ़ेक्ट आप देख, ये देखिए ये जो वर्ड में इफ़ेक्ट आ रहे हैं अलग अलग, ये आप इस तरीके से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप प्लस साइन पे जाने के बाद दोस्तों आपके गैलरी में भी आप जाने के साथ साथ जो कुछ गैलरी में हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या मोर में आने के बाद जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, चार्ट्स, फोल्डर्स, वीडियोस, पिक्सल्स, पिक्सल वाई, ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सभी जो है आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके जो है आप कितने भी क्रिएटिव हम कह सकते हैं पोस्ट कार्ड और थंबनेल वगैरह, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरीज की फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हैं। और जो भी आप सीजनल या कभी जब सर्च करते हैं तो वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बन जाने के बाद आप जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों ये एक अंडू का ऑप्शन है होम के पास, इससे आप जो भी क्रिएटिविटी की जा रही थी उसको अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये डाउनलोड अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आप इसको इमेज में सेव कर सकते हैं, सेव विद ट्रांसपेरेंसी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम और इतनी सारी जगह आप देखिए इसको शेयर कर पाएंगे। हमने सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा डिज़ाइन प्रिपेयर हो गया है और मेकिंग द मैजिक हैपन, और ये देखिए मैजिक हो गया है। अब आप इजीली यहां से दोस्तों इसको जो है शेयर कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है, ये एप्लीकेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।